नमस्कार दोस्तों, सभी परेशानियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रेवाड़ी में जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर मोदी जी के वायदे थे उनको लेकर अब जो है सरकार को याद दिलाने का समय आ गया है, क्योंकि चुनाव जो है अब फिर से नज़दीक है। तो दोस्तों हम आपको पूरी अपडेट वीडियो में देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 17 सितंबर को होने जा रही है ORP रेवाड़ी रैली के लिए। कल रेवाड़ी में 6 सितंबर को एक जरूरी बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जितनी भी सरकारी प्रक्रिया होती है सभी पूरी कर ली गई है। रेवाड़ी की पूरी टीम ODN पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और नेवी के कुलजीत सिंह काफ़ी अच्छा सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन धर्मपाल यादव बैठक में मौजूद रहे। सभी फैसले जो है उनके सामने लिए गए। अब इंतजार है 17 सितंबर को आपका। देश के सभी पूर्व सैनिकों को उसी मैदान में जिसमें 15 सितंबर 2013 में मोदी जी ने रैली करके ORP देने का वायदा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वायदा पूरा नहीं किया, और उस मैदान में प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। तो आगे आप देख सकते हैं पूरी अपडेट वीडियो में। 17 सितंबर 2023 हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की होने वाली महारैली में जरूर आए और अपने साथियों को भी लेके आए। 6 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में जो ऐतिहासिक रैली हुई थी पूर्व सैनिकों का, उसमें हम लोगों ने कसमें खाई थी कि जब तक हर तरह के भेदभाव समाप्त नहीं होते तब तक हम तन मन और धन से अपने संघर्ष को जारी रखें। वहीं पे यह घोषणा हुई थी कि अगली रैली रेवाड़ी में 17 सितंबर को होगी। अब समय आ गया है, 17 सितंबर नज़दीक है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं भारत के जो आ सकते हैं वहाँ जरूर पहुँचे। आस पास के लोगों का आना कंपल्सरी है और ये उस ग्राउंड पे रैली हो रही है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रैली की थी और जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, क्योंकि ORP का मेजर शेयर वो वर्ग ले गया जो इसका हकदार नहीं है और पूर्व सैनिक ठगा महसूस कर रहा। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि देखें हमारी समस्याओं को और इसका निदान खोजें। इसलिए रैलियों का क्रम लगातार जारी है। मैं फिर एक बार आपसे अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी जरूर पहुंचे। राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान की सीमाएं वहां से नज़दीक है। राजस्थान से भारी संख्या में पूर्व सैनिक आ सकते हैं, दिल्ली से भारी संख्या में पूर्व सैनिक वहां जा सकते हैं, पंजाब से भारी संख्या में पूर्व सैनिक आ सकते हैं, वहां ट्रेनों की कनेक्टिविटीज हैं हर जगह से। तो इस महारैली को सफल बनाएं और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि हमको अपने से दूर ना करें। आपकी बेरुखी पूर्व सैनिकों की, जो कि अगर इनके परिवार के सदस्यों की संख्या भी जोड़ी जाए तो 3 करोड़ के करीब पहुंचेगी, उनको अपने से दूर मत करो। ये आपकी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, नहीं तो हम तो निकल पड़े हैं। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम आपसे दूर चले जाएंगे, हम सभी आपसे दूर चले जाएंगे। जय हिंद, जय